YouTube हैंडल, जी हाँ, जिसके लिए इंतजार था वो फाइनली आ गया है। YouTube हैंडल कैसे करना है सेट, पूरा आपको दिखाऊंगा, प्रोसेस तरीका क्या है। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑल बटन पर प्रेस कीजिए ताकि ऐसा ही वीडियो नोटिफिकेशन आपको हमेशा के लिए मिलते रहे। दोस्तों, YouTube से YouTube हैंडल सेट करने के लिए एक मेल किया है सब क्रिएटर को, और YouTube चैनल लॉगिन करते ही एक नोटिफिकेशन भी दिखाई देंगे, वो नोटिफिकेशन से जाके भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप मेल आईडी लॉगिन करके मेल आईडी से जो मेल आए हैं उसमें भी जाके कर सकते हैं। कैसे करना है, तरीका क्या है, चलिए फटाफट से मैं को कंप्यूटर से लेके चलता हूँ और आपको सारी की सारी प्रोसेस दिखाता हूँ कैसे करना है। और आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो आप चाहे तो मोबाइल से भी कर सकते हैं, सेम टू सेम प्रोसेस। आप गूगल क्रोम पर जाइए और आपके चैनल लॉगिन कर लीजिए, या तो आपके चैनल पर जो मेल आईडी है वो मेल आईडी आप लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद दोस्तों जो ट्रिपल डॉट ऑप्शन है उसमें जाके आप डेस्कटॉप मोड ऑन कर लीजिए, तो आप कंप्यूटर की तरह ही आप आपके चैनल पे यूआरएल सेट कर सकते हैं, यूट्यूब हैंडल सेट कर सकते हैं आपके मोबाइल से ही। चलिए आपको कंप्यूटर से लेके चलता हूं और कैसे करना है पूरा प्रोसेस आपको दिखाता हूं। तो दोस्तों फाइनली YouTube हैंडल सेट करने के लिए आपको चैनल पे आना है, आपको चैनल लॉगिन करना है, ठीक है। लॉगिन करने के बाद देखिएगा दोस्तों इस तरह आपको एक नोटिफिकेशन शो हो जाएगा, ठीक है। YouTube से ये नोटिफिकेशन भेज दिया, सब चैनल के लिए नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप भी चेक कर लीजिएगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो चाहे तो आप इसमें चूज नाउ पे क्लिक करके आप आपका यूट्यूब हैंडल सेट कर सकते हैं। और एक प्रोसेस है जो कि आपको मेल आईडी पे आना है, ठीक है। आपका जो चैनल मेल आईडी है वो मेल आईडी आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपको देखिए इस तरह यूट्यूब से एक आपको मेल मिल चुका, ठीक है। जस्ट आप मेल आईडी ऑन कीजिए, ओपन करने के बाद देखिए इस तरह आपका को चूज ए हैंडल पे क्लिक करना है, चूज ए हैंडल पे क्लिक करना चाहिए, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। आप चैनल पे जो आपको नोटिफिकेशन दिखाई देते हैं उसमें भी आप चूज नाउ पे क्लिक करके कर पाएंगे, ठीक है। चलिए मैं आपको मेल आईडी से ही दिखाता हूँ, ठीक है। तो चूज ए हैंडल पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे जिस कस्टम यूआरएल आपने अगर पहले से बना के रखा था तो वो कस्टम यूआरएल से पहले ही आपका @ मेंशन किया जाएगा, @ शो हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मेरा देखिए, जैसे कि कस्टम यूआरएल मैंने बना के रखा था द टेक एजुकेशन, ऐसा ही सेम टू सेम ऐसा ही आ गया है, जस्ट पहले ये @ आ गया, तो ऐसे ही आपको भी मिल जाएगा। अगर आपको यह पसंद नहीं है, अगर चेंज करना चाहे तो आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं जब अपडेट आया था, मैं पिछले वीडियो बनाया था उसमें मैं बताया था कि चेंज करने का आपको ऑप्शन दिया जाएगा, तो देखिए इसमें फाइनली चेंज करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा आपको। तो अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा कि चेंज हैंडल कैसे चेंज करना है हैंडल, ठीक है। चलिए मैं चेंज हैंडल पे क्लिक करता हूँ, चेंज हैंडल पे क्लिक करते ही देखिए दोस्तों यहाँ पे इस तरह आपको शो किया जाएगा। तो चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है और इस तरह आपको बैक स्पेस करके ये डिलीट कर देना है, और आपने जो नेम यहाँ पे रखना चाहते हैं वो एंटर करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, सॉरी स्पेस इसमें आपको नहीं देना, ठीक है, स्पेस हटाना है। और देखिए इस तरह अगर आपको पहले से ऐसा ही जो आपने चूज करने चाहेंगे मेल आईडी से जैसे चूज करते हैं, अगर पहले से किसी ने बना के रखा था वो आपको नहीं मिलता, सेम टू सेम यहाँ पे भी ऐसे ही होने वाले हैं कि आपने अगर जो एंटर करेंगे उसमें कोई ऑलरेडी पहले बना के रखा तो वो नेम आपको नहीं मिलेगा, आपको सजेस्ट किया जाएगा। जैसे कि नीचे देखिए इसमें सजेस्ट किया गया टेक एजुकेशन 230, अगर मैं इसको चाहूँ तो ऐसे ही मिल जाएगा और ग्रीन टिक आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही जो आप लेना चाहते हैं आप ट्राई करके देखिएगा, ट्राई करते करते आपको देखिएगा एक नेम आपको मिल जाएगा और ग्रीन टिक आपको आ जाएगा। तब आपको क्या करना है, कॉन्फर्म सिलेक्शन पे क्लिक करना है, कॉन्फर्म सिलेक्शन पे क्लिक करते ही यूट्यूब हैंडल आपको मिल जाएगा इस तरह, ठीक है। तो किसी ने अगर आगे सर्च करे तो आपको चैनल पर ही वो व्यूअर्स आ जाएगा। तो मुझे तो अभी नहीं करना है, मैं जस्ट आपको प्रोसेस क्या है, तरीका क्या है, मैं आपको दिखाने के लिए आप इस वीडियो बना रहा हूं। तो मुझे अभी नहीं करना है, मुझे जो नेम पहले से है द टेक एजुकेशन मुझे ये पसंद है, चलिए मैं इसको ही रख देता हूं। तो आपको वीडियो कैसा लगा, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया कि कैसे यूट्यूब हैंडल सेट करना है, कैसे चेंज करना चाहे तो चेंज करना है। अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कीजिए, और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल बटन पर प्रेस कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा के लिए मिलते रहे। चलिए मिलता हूं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।